हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी का जो प्रेडिक्शन है वो है DUR वर्सेस ESS, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। 53rd मैच है ये आपका रॉयल लंदन वनडे कप का, इंग्लिश वनडे कप। ये जो मैच है वो खेला जा रहा है आपका इंग्लैंड में, इंग्लैंड का डोमेस्टिक रॉयल लंदन कप चल रहा है उसका। तो इस वाले मैच में आपको पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, देन डरम का आपको प्लेइंग 11, इंजरी अपडेट्स आपका आपको डेटा मिल जाएगा। देन आपको पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस रहा है वो आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ESS का प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स हैं उनका डेटा, अगर कोई इंजरी अपडेट है या स्क्वाड में कुछ चेंज आया है वो चीज़, और उसके साथ साथ आपको पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस रहा है वो मिल जाएगा। देन DUR वर्सेस ESS का ड्रीम 11 टीम आपको मिल जाएगा। देन किसको कैप्टन वाइस कैप्टन रखना चाहिए वो चीज भी आपको आगे चल के इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर आप एक टीम से खेल रहे हैं तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कैप्टन वाइस कैप्टन का वो आपको मिल जाएगा, और मैच कौन जीत सकता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस वाले वीडियो में, और टॉस प्रिडिक्शन के बारे में भी इस वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं DUR वर्सेस ESS का ड्रीम इलेवन प्रिडिक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं ये मैच किसके बीच में खेला जाएगा। ये मैच डरम वर्सेस एसेक्स के बीच में खेला जाएगा। ये 53rd मैच है इंग्लिश वनडे कप या फिर रॉयल लंदन कप, ठीक है। 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच खेला जाएगा। जो पिच है वो है रिवर साइड ग्राउंड, तो यहाँ पे मैच खेला जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहता है। अगर पिच रिपोर्ट देखे रिवर साइड ग्राउंड का, तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पे बैटिंग करना आसान है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा पिच स्लो होता है, और बैटिंग या फिर अगर हाई स्कोरिंग मैच हो तो चेस करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज आप देख सकते हैं पिछले मैच में, जो एक मैच हुआ यहाँ पे, पहले मैच में 327 रन बने थे और उसके बाद सेकेंड इनिंग में 240 रन, ठीक है। तो ये है पिच रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट देखा जाए तो चांसेस ऑफ रेन बहुत ज्यादा है, 84% ऑफ चांस। तो आप ये चीज अपने दिमाग में रखें कि फास्ट बॉलर्स को बेनिफिट मिलेगा ये रेन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, और 15 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा और 70% आपका ह्यूमिडिटी होगा, तो जिसके कारण सीमर्स को इनिशियली बेनिफिट मिलेगा। हालांकि पिच का ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो बैट्समैन को फेवर करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं डरम का प्लेइंग 11। उससे पहले देख लेते हैं डरम ने 14 प्लेयर का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो अब इसमें देख लेते हैं प्लेइंग 11 क्या है। सीन डिक्सन ने 168 रन बनाया है, एलेक्स ली ने 249 रन बनाया है, पॉल ने 4 रन बनाया और 7 विकेट लिया है, ल्यूक ने 119 रन बनाया और 6 विकेट लिया है, डेविड ने 168 रन बनाया है, स्कॉट जो कि लीड कर रहे हैं साइड को, इन्होंने 77 रन बनाया और 4 विकेट लिया है, लियाम ट्रीवेक्स ने 44 रन बनाया और 4 विकेट लिया है, कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट ने 94 रन बनाया। ये एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, अच्छे प्लेयर हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। मैट ने 2 विकेट लिया है, ग्रैहम क्लार्क जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, इन्होंने 367 रन बनाए हैं, क्रिस रसवर्थ ने 7 विकेट लिया है। ये तो हो गया आपका प्लेइंग 11। अब देख लेते हैं पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस रहा था। डरम ने पिछले मैच में 327 रन बनाए थे 50 ओवर्स में, और इनके बॉलर्स ने ये टोटल डिफेंड किया था। सिन डिक्सन टॉप स्कोरर रहे थे पिछले मैच में, इन्होंने 103 रन बनाए थे 76 बॉल्स में, ल्यूक ने 69 रन बनाए थे 53 बॉल्स में। बॉलिंग का अगर देख लें तो 4 विकेट ल्यूक ने लिए थे और 2 विकेट मैट ने लिए थे। तो ये हो गया डरम का डिटेल्स। अब एसेक्स का डिटेल्स देख लेते हैं। एसेक्स ने भी 14 प्लेयर का स्क्वाड अनाउंस किया है। एडम वीटर जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है, इन्होंने 103 रन बनाए हैं। बेन एलिसन ने 1 रन बनाया और 5 विकेट लिया है। टॉम वेस्टलेन जो कि लीड कर रहे हैं अपने साइड पर, इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है, इन्होंने 310 रन बनाया और 2 विकेट लिया है। शेन स्नाइडर ने 36 रन बनाया और 13 विकेट लिया है। एरन नेजर ने 62 रन बनाया और 5 विकेट लिया है। सिमन हार्पर जो कि एक अच्छे चॉइस है बॉलर के लिए, इन्होंने
10 विकेट लिया, 41 रन्स बनाए। माइकल काइल ने 40 रन्स बनाए, एलिस्टर कुक ने 220 रन बनाया, रियान टेन डोसेस ने 33 रन बनाया, 7 विकेट लिया है, ल्यूक बेंस्टिन ने 305 रन बनाया, 4 विकेट लिया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, तो आप ये चीज अपने ध्यान में रखें। जॉस रायमेल ने 30 रन बनाया। तो ये तो हो गया आपका एसेक्स का प्लेइंग 11। अब देख लेते हैं कि एसेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले मैच में। एसेक्स जो है इनको 204 रन चेज करना था पिछले मैच में, और 2 विकेट रहते हुए इन्होंने चेज कर लिया था। टॉम वेस्टलिन टॉप स्कोरर रहे थे, इन्होंने 71 रन बनाए थे 90 बॉल्स में। एरॉन नेजर ने 32 रन बनाए थे 25 बॉल्स में। शेन स्नेटर ने 4 विकेट लिए थे और डोसेटे ने 2 विकेट लिए थे। ये हो गया आपका दोनों टीम का डिटेल्स। आप दोनों का डिटेल्स देख के अपना ड्रीम इलेवन टीम बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप हमारा एक टीम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं, तो ये है हमारा ड्रीम इलेवन का टीम, DUR वर्सेस ESS का। अगर ड्रीम इलेवन टीम देखें तो विकेट कीपर में हम ए विटर के साथ जा रहे हैं, बैट्समैन एलिस्टर कुक, ए लीज, जी क्लार्क और टी वेस्टली को एज अ बैट्समैन हम रख रहे हैं, और ऑलराउंडर्स में एस हैमर और दोएथी एल दोएथी को एज अ ऑलराउंडर रख रहे हैं। बॉलर्स में एस बॉर्थविक, पी वैन मेरिकन और एस ए नीजर और एस स्नेटर स्नेटर ये एज अ बॉलर होंगे। एक लो प्लेटफॉर्म कंपटीशन प्लेटफॉर्म है प्लेयर स्पॉट, इसका भी टीम आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अपडेटेड टीम के लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप क्रिक्स 11 सर्च करके किसी पोस्ट में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्लेयर सपोर्ट में ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, साथ में आपको जो अपडेटेड टीम है वो क्रिक्स 11 के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के इस वाले प्लेयर सपोर्ट को ज्वाइन कर लें। विकेट कीपर जो है ए विटर होंगे, बैट्समैन जी क्लार्क, ए ली, डोसेटे और टी वेस्टली, और राउंडर्स में ल्यूक ल्यूक डोनेटी देन एस हैमर, बॉलर्स में मेरिकन, बॉर्थविक और सेनेटर। ये चॉइस है हमारा प्लेयर स्पॉट के लिए। हालांकि प्लेइंग लाइन आने के बाद ये थोड़ा अपडेटेड होता है, अपडेट हम करते हैं, तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन को ज्वाइन चैनल को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोग जीत रहे हैं हमारे टीम से, तो आपके पास भी अच्छा मौका है, आप जाके ज्वाइन कर लें। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ग्राहम क्लार्क, एलेक्स ली, ल्यूक डोनेटे, स्कॉट बॉर्थविक, सिमोन हैमर, टॉम वेस्टली, सेन स्नेटर और एलेस्टर कुक, इनमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप एक टीम से खेल रहे हैं तो आप ग्राहम क्लार्क और सिमोन स्नेपर को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। अगर देखें कौन मैच जीत सकता है, तो हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग एसेक्स के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है मैच, और टॉस जो है वो डरम के फेवर में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और आप शेयर भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।